अध्यक्ष महोदय, आज कृषि मंत्रालय की ओर से कृषि प्रभाग की मांग 28,04,13,88,000 रुपये के गैर भारित खर्च के अनुदान को सदन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष रखा है। अध्यक्ष महोदय, मांग लेकर सरकार आई है और सदन से सहमति चाहती है। आपकी स्वीकृति से हमारी मांग ग्रांट बन जाएगी, जिससे राज्य के किसानों के सपने साकार करने में हमें सहयोग मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, सरकारी खजाने पर विधायिका की निगरानी और नियंत्रण यह संवैधानिक व्यवस्था है और जिसके तहत पक्ष विपक्ष हाँ पक्ष ना पक्ष की ओर से माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव समालोचना अन्य बातों को सदन में रखा गया। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 203 खंड 2 के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि विभिन्न मंत्रालय विभाग अपनी मांग एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर अनुदान की मांग डिमांड ऑफ ग्रांट के रूप में विधानसभा के पटल पर मत प्राप्ति हेतु प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे आगामी वित्त वर्ष के लिए 3 मार्च को राज्य सरकार का बजट, हेमंत सरकार का बजट, गठबंधन सरकार का बजट माननीय वित्त मंत्री के द्वारा इस सदन में पेश किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, और इसमें शामिल खर्च के अनुमान एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर को सदन के सामने रखने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए रखा। अध्यक्ष महोदय, आग्रह है अपनी सहमति प्रदान कर राज्य के विकास में किसानों के सपने साकार करने में भागीदार बने। विपक्ष के साथी यदि यहाँ होते तो उनके जो सवाल आए थे अध्यक्ष महोदय और जो सुझाव आए थे उस पर हम कुछ उन्हें रूबरू कराते। अध्यक्ष महोदय, माननीय रणधीर बाबू का, माननीय श्री रामदास सोरेन साहब का, माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह जी का, माननीय सदस्य श्री अनंत ओझा जी का, माननीय सदस्य श्री सरजू बाबू का, माननीय सदस्य श्री लंबोदर महतो जी का, माननीय सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी का, माननीय सदस्य विक्सल कोंगाड़ी जी का और माननीय सदस्य माननीय विधायक गुमला विधानसभा के माननीय सदस्य द्वारा विभिन्न तरह के सुझाव और समालोचना इस सदन में किया गया। अध्यक्ष महोदय, रणधीर बाबू होते तो उन्होंने जो आंकड़े पेश किए अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में हम अपनी ओर से भी सरकार की बात उन्हें कहते। खैर, आदत के अनुसार सिर्फ अपनी बातें कहते हैं, सुनने का कभी फिक्र नहीं करते, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी कमजोरी को भी स्वीकार करते हैं, छिपाते नहीं। अध्यक्ष महोदय, साहस होना चाहिए लेकिन जो सच्चाई है वो भी सदन के सामने लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, झूठ 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 बोलकर एक परसेप्शन पैदा कर किया जा रहा है देश में। विभिन्न डिपार्टमेंट्स के खिलाफ, हमारे पदाधिकारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सबके खिलाफ। अध्यक्ष महोदय, और जो सच है वो मैं आपको बताता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि विभाग में सहकारिता के क्षेत्र में खर्च का प्रतिशत 75% है। अध्यक्ष महोदय, पशुपालन में 61% है। अध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादन में 75% है। अध्यक्ष महोदय, मत्स्य उत्पादन में 79% है। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर में 45% है। अध्यक्ष महोदय, और भूमि संरक्षण में आंकड़ा लो है, 15% है। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे कहानी अध्यक्ष महोदय, इस बार सुखाड़ हुआ और सुखाड़ के बाद जब खरीफ का समय चला गया,
खरीफ का प्रमुख फसल धान है अध्यक्ष महोदय, रोपनी का समय जब चला गया अध्यक्ष महोदय, उसके बाद राज्य में अच्छी बारिश हुई। अब किसान हताश, कभी खेतों को देखे कभी मौसम को देखे, बेमौसम यदि फसल लगाए तो उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाता अध्यक्ष महोदय। तो इसके कारण सभी तालाब वगैरह बेमौसम भर गए अध्यक्ष महोदय। विभाग में एस्टिमेट बनाने में, प्रस्तुत करने में कुछ देरी हुई, हो सकता है कहीं पे कुछ लापरवाही हुई हो, लेकिन यह सब भी बड़ा कारण रहा कि सुखाड़ तो रहा लेकिन सुखाड़ के बाद रोपनी के बाद पानी पड़ा और उसके कारण लेट हुआ है। लेकिन अभी अध्यक्ष महोदय हम लोग एक मिशन मोड में लगे हुए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, राज्य के लोगों का सपना है, और इसके लिए उन्होंने प्रचुर बजट का उपबंध भी किया अध्यक्ष महोदय, और उस पर हम आगे आपको और आंकड़े के साथ अपने विभाग को प्रेस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। डेयरी कृषकों की जो बात कही जा रही थी अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में पहले और अब की स्थिति में यदि आप तुलना करें अध्यक्ष महोदय, तो पहले मात्र 97,000 लीटर दूध हम प्रोक्योर करते थे अध्यक्ष महोदय, जब उनकी सरकार थी एवरेज में अध्यक्ष महोदय, और आज यह आंकड़ा बढ़कर अध्यक्ष महोदय 1,45,000 लीटर पर डे, कभी कभी तो किसी दिन 1,85,000 लीटर तक हम प्रोक्योर करते हैं अध्यक्ष महोदय। ये पहुंच गया अध्यक्ष महोदय, और ये तब संभव हुआ अध्यक्ष महोदय जब हमने दुग्ध उत्पादन कर रहे कृषकों को की आह को सुना अध्यक्ष महोदय। पहले भी सरकारें थी, पहले भी लोग दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में लगे हुए थे, लोग कहते थे कि श्वेत क्रांति को लेकर आएंगे, नया झारखंड को बनाएंगे, सजाएंगे, लेकिन कथनी और करनी में उन्होंने क्या व्यवस्था किया उनके लिए, यह बात किसी से छिपी नहीं अध्यक्ष महोदय। जब मार्च 2019 में NDDB का MOU समाप्त हो गया अध्यक्ष महोदय, उस समय उनकी सरकार थी अध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादन से जुड़े हुए लोग, JMF से जुड़े हुए लोग परेशान होते कि जब हमारा टर्म ही खत्म हो गया, अब हमारा क्या होगा, हम कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, और इन लोगों ने अध्यक्ष महोदय पूरे साल ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा, किसानों में उदासीनता आ गई अध्यक्ष महोदय। फिर जाके जिस NDDB को उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जी के समय में ही पहली बार MOU किया गया था अध्यक्ष महोदय, फिर 18 महीने बाद हमारी सरकार आने के बाद उनका फिर से MOU किया गया अध्यक्ष महोदय, और हमने कदम बढ़ाया। पहले साल प्रोत्साहन के तौर पर 1 रुपया प्रति लीटर हमने उनको उपबंध किया अध्यक्ष महोदय, इससे उनका मनोबल बढ़ा, फिर अगले साल 2 रुपया, और इस साल आप बजट को देख सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इस साल वो प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर हमने 3 रुपया कर दिया अध्यक्ष महोदय। महंगाई बढ़ी है, हम इससे नकार नहीं सकते, कैटल फीड जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसमें भी सब्सिडी देने का प्रावधान विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के सुझाव पर करने जा रही है अध्यक्ष महोदय। अभी माननीय सदस्य रणधीर बाबू ने एक इल्जाम लगाया कि देवघर और सारठ का दूध बंगाल में हमारे पदाधिकारियों द्वारा भेजा जा रहा है। चलिए शुक्र है अध्यक्ष महोदय, बंगाल ही बोले, बांग्लादेश नहीं बोले, इतने में हम संतोष करते हैं। नए चल तो सुन के बहुत उदासी लगता है अध्यक्ष महोदय। हमारे यहाँ एक प्रदीप बाबू नहीं है, इरफान जी हैं, एक पावर प्लांट लगा है अध्यक्ष महोदय अडानी जी का, वहां के लोग क्या कहते हैं सुनिएगा अध्यक्ष महोदय,
डंडा मार मार के भगाया, जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया और अनुबंध किसके साथ किया अध्यक्ष महोदय? हमने नहीं किया था, उन्होंने किया था अध्यक्ष महोदय। तो हमारा एक ही चीज कहना है, अनुबंध उन्होंने किनके साथ किया? बांग्लादेश के साथ किया अध्यक्ष महोदय। झारखंड को बिजली नहीं मिलेगी तो हमर खून पसीना और बिजली ले जाते शेख हसीना, ये नए चलते अभी रहते तो ये बात मैं उनको कहता। अध्यक्ष महोदय, अभी रहते रणधीर बाबू तो हम कहते कि सिर्फ गाय के बात का राजनीति करते हैं वो, लेकिन गाय किस हाल में है, जी रही है, जीवन से लेकर मरण तक इस सरकार में संवेदनशीलता है अध्यक्ष महोदय? गो मुक्ति धाम का हमने चर्चा किया था अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य विधानसभा, यदि रामचंद्र चंद्रवंशी साहब रहते तो मैं उनको कहता कि हे विश्वपितामह, क्या आपके प्रतिनिधि ने शिलान्यास नहीं किया था गो मुक्ति धाम का, जो आपके पीछे हमारे अग्रज पूर्व मंत्री इस तरह सरकार के खिलाफ परसेप्शन तैयार कर रहे थे? वो कहें तो फोटो आपको प्रस्तुत कर दें सदन में। जो सच है उसको छिपाया जा रहा, अस्वस्थमा हत नरवा गज, इसी थीम पे अध्यक्ष महोदय महाभारत के साथ साथ अभी चुनावों को जीता जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उन्होंने लोगों को हंसवाया भी। ऐसी हल्की बातें इस सदन में पूर्व के मंत्री कहेंगे, अध्यक्ष महोदय हमारे गरिमा का क्या होगा? हो सकता है गुब्बारा मॉडल उनका रहा है अन्य प्रदेशों में, उसी की याद आ गई हुई उनको अध्यक्ष महोदय। जोड़ा वितरण बात की, बैल की बात जो कह रहे थे अध्यक्ष महोदय, जोड़ा बैल वितरण, इसके पीछे कहानी अध्यक्ष महोदय, हम चाईबासा गए थे, वहां के प्रभारी मंत्री हैं, बूढ़े किसान दीदी हाथ पकड़ के बोलने लगे कि हमारा यहाँ जिस तरह का भौगोलिक स्ट्रक्चर है यहां पर ट्रैक्टर नहीं चल सकता बाबू, हमारे लिए बैल की व्यवस्था कर देते, तुम्हारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहते तो अच्छा होता। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय संसदीय मंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से चर्चा किया अध्यक्ष महोदय, और उसका प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय, बैल बांटे गए हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर था, इस बार बहुतायत के तौर पर बांटे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही कल एक माननीय सदस्य ने बड़ी ही, पढ़े लिखे सदस्य हैं, बाहर से पढ़ लिख कर आए हैं और उनके आंकड़ों को हमेशा मैं गौर से सुनता हूं, इन दोनों किताबों को उन्होंने यहाँ पे पूरे आंकड़े के तौर पर रखा देखो, इसको जो आईना है पक्ष के लिए भी विपक्ष के लिए भी अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो कर क्या गए, जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं थे वो कह गए और जो हमारे पक्ष में थे उसको वो छुपा गए। मतलब जो हमको है पसंद वही बात करेंगे, ऐसे समालोचक होना चाहिए जैसे उस तरफ के ही विचारधारा के महान नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जिनकी स्टेचू लगी है अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जब उस समय की केंद्र सरकारें अच्छा काम करती थी तो तात्कालीन प्रधानमंत्री को बधाई भी देते थे,
और वो स्टेटमेंट्स आज भी लोगों के जहन में आते हैं, लोग उसको पुकारते हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा यदि वो रहते कि उन्होंने जिस तरह की बातें रखी वो कन्फर्मेशन बायस, एक सटीक वर्ड है अध्यक्ष महोदय, उसके तहत रखी। अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान सदस्य पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छी तरह से बातों को रखते हैं, सरकार को आईना दिखाने और घेरने का प्रयास भी काफी चालाकी से करते हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन उन्होंने आंकड़ों में उस पार्ट को फिल्टर आउट किया। हम जब सरकार चलाते हैं, जब चलते हैं अध्यक्ष महोदय, पॉजिटिव नेगेटिव सभी वाइब्स आती है अध्यक्ष महोदय, और इसके बीच में हम आगे बढ़ते हैं अध्यक्ष महोदय। खैर वो है नहीं, ग्रोथ रेट बताते समय अध्यक्ष महोदय नेगेटिव आंकड़ों को बोल रहे थे, लेकिन ये कभी नहीं बताया अध्यक्ष महोदय किसी 21-22 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन झारखंड प्रदेश में हुआ। अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बताया अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े हैं आपके लिए, हम भेज सकते हैं अध्यक्ष महोदय। देखिए 18-19 में खरीफ की खेती होती थी अध्यक्ष महोदय, कोई सामान्य दिन थे। 2,894,000 टन पैडी उत्पादन हुआ था अध्यक्ष महोदय, और 21-22 में अध्यक्ष महोदय मानसून अच्छा था, कोरोना से उबरने के बाद हमने समय पर बीज मुहैया कराया, खाद मुहैया कराया, कालाबाजारी रोकने के लिए रिकॉर्ड छापे मरवाए, FIR किया, लाइसेंस कैंसिल किया अध्यक्ष महोदय, प्रबंधन किया, ऋण माफी किया, न सिर्फ ऋण माफी किया अध्यक्ष महोदय, फिर से उनके क्रेडिट को जिंदा किया, बैंकों के दरवाजे को खोला अध्यक्ष महोदय। तो रिकॉर्ड उत्पादन 5,365 टन का हुआ अध्यक्ष महोदय, ग्रोथ 22.8%, ये हमारा ग्रोथ रेट आ गया। यही आंकड़े मक्का में भी अध्यक्ष महोदय 11% का ग्रोथ रेट था अध्यक्ष महोदय, गेहूं 302 से 519 हो गया अध्यक्ष महोदय, दाल का भी बढ़ा, तेलहन का भी बढ़ा, मक्का का भी बढ़ा अध्यक्ष महोदय। ये कहते तो लगता कि राज्य की चिंता है, आलोचना करना है, अच्छी बात है, लेकिन जो अच्छी बात है उनको भी बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय। ये एक मैंने आंकड़ा आपको पेश किया अध्यक्ष महोदय। इसके साथ अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग जो सुझाव दे रहे थे अध्यक्ष महोदय, वो कह रहे थे कि उस समय की सरकार ने 27 लाख लोगों को पीएम किसान की निधि उपलब्ध कराया अध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, कराया 27,44,173 किसानों के खाते में अध्यक्ष महोदय 548,83,46,000 रुपया आए। ये कब? ये 18-19 जब लोकसभा चुनाव आया अध्यक्ष महोदय, चूंकि यहां पे 65 स्टेट प्रायोजित योजनाएं हैं अध्यक्ष महोदय और 23 केंद्र प्रायोजित योजनाएं, तो उनका भी जिक्र करना जरूरी है अध्यक्ष महोदय कि कैसे कैसे यहाँ के लोगों के साथ क्या क्या वर्ताव हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब उनका चुनावी साल था किसानों को सम्मान देने का उनका सुझाव अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने 27,44,173 किसानों को खाते में पैसे भेजे अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों को क्या उन्होंने बिना अप्रूवल के इस राज्य के किसानों को दे दिया था अध्यक्ष महोदय? जब चुनाव गुजर जाने के बाद उनको लैंड सीडिंग की बात आने लगी अध्यक्ष महोदय,
ये आंकड़े उन्होंने जब उस समय की सरकार से मांगे थे तो जरूर कुछ पैमाना होगा अध्यक्ष महोदय, और ये अप्रूवल के बाद भी भारत सरकार को दिया गया होगा अध्यक्ष महोदय। उसके बाद निरंतर संख्या को जो मन सो लांछन लगा के काटा गया, और बैंकों ने उनको सहयोग किया अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ पब्लिक को आक्रोशित करने के लिए नेशनलाइज बैंक है जो उनसे मॉनिटर होती है अध्यक्ष महोदय। वो लिखने लगे जिन किसानों के खाते में पैसे आते थे अब बंद हो गए, उनको लिखने वो लिख रहे हैं उसमें, पेमेंट हैज बीन स्टॉप्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बारे भाई वाह, दिया तो आप, नहीं दिया तो मेरे बाप, स्टेट गवर्नमेंट भला क्यों रोकेगी? आप 27 लाख नहीं, यहां के 3 करोड़ 25 लाख जनता को दें, हम खुली हाथ से स्वागत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक अखबार ने यह साहस किया, मेरे एक साहसी पत्रकार भाई ने, उस अखबार ने ये देखिए अध्यक्ष महोदय, घटे पीएम किसान सम्मान निधि के लाभों, शर्तों पर शर्त लगाते गए, शिकायतें पर बदलती रही शर्तें, भुगतना किसको पड़ा अध्यक्ष महोदय, यहां के किसानों को। अध्यक्ष महोदय चलिए जितना करना कर लीजिए, हमारा प्रचार तंत्र उतना मजबूत नहीं है अध्यक्ष महोदय, जिनके जितने उनके अफवाहों के फैलाने वाले तंत्र मजबूत है अध्यक्ष महोदय। इस किसान निधि को अध्यक्ष महोदय जब 18-19 में दिया गया था अध्यक्ष महोदय 6000, मुद्रास्फीति महंगाई दर बढ़ा अध्यक्ष महोदय, और ये बढ़ता गया अध्यक्ष महोदय, उस समय किसान ने 6000 में जो एग्रीकल्चर इनपुट बीज खरीदा होगा, खाद खरीदा होगा, उस इनपुट का दाम आज बाजारों में क्या है अध्यक्ष महोदय? कल एक अखबार में, महत्वपूर्ण दैनिक अखबार में आया अध्यक्ष महोदय, देख लीजिए, यदि हम महंगाई दर पे जाए तो वो जो सामान हम उसमें 6000 में खरीदते थे वो सामान लगभग अब 12000 में, देख सकता हूं, वो रहते तो हम आपके माध्यम से कागज भेजते हो, हमने नहीं लिखा ये एडिटोरियल में आ रहा, ये मुख्य पत्र में आ रहा देश में। इस भोली भाली जनता को कब तक आप ठगेंगे? 45 लाख करोड़ की बजट का प्रबंध करते हैं, 60000 करोड़ की आप इसमें पीएम किसान सम्मान की बात करते हैं किसान की, और सिर्फ 60000 करोड़ पूरे देश में। याद कीजिए सर 2008-09 में, जब उस समय के तत्कालीन मनमोहन सिंह की गठबंधन वाली सरकार जिसमें आदरणीय गुरुजी थे साक्षी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे, वहां की गठबंधन की सरकार ने अध्यक्ष महोदय इस देश के लगभग 4 करोड़ से ज्यादा किसानों के कुल रकम 71680 करोड़ रुपये माफ किए थे अध्यक्ष महोदय उस समय 2008-09 में, उस रुपया का दाम आज जुड़ गया अध्यक्ष महोदय। कल हम आंकड़े देख रहे थे अध्यक्ष महोदय किसानों के साथ क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय याद आता है 19 जुलाई 1969 की बात, जब उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जब देखा कि देश के बड़े उद्योगपतियों घरानों राजाओं के पैसे 85% उन बैंकों में है जो प्राइवेट हैं, उसको एक झटके में नेशनलाइज करने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और गरीबों के लिए किसानों के लिए बैंक का दरवाजा खोला अध्यक्ष महोदय। एक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जो इस तरह के साहसिक निर्णय लेती थी, चौकदा बड़े बैंकों के जिसके डिपॉजिट उस समय 50 करोड़ से ऊपर थे,
उसको नेशनलाइज किया अध्यक्ष महोदय, और उद्योगपतियों का पैसा गरीबों और किसानों के घर में पहुंचाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और आज उसी गरीब उद्योग किसान मजदूर का पैसा जो इन बैंकों में अध्यक्ष महोदय, उसको आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। देश कहां जा रहा है ये हमें और आपको आप अवलोकन करने की बात है अध्यक्ष महोदय, आत्मचिंतन करने की बात है। एक वो थे जो 70% आबादी के बारे में सोचते थे अध्यक्ष महोदय, और तो और कहते हम किसानों की हिमायती है, 60,000 करोड़ का वर्ज बोझ लिए पीएम सम्मान देके घूमते हैं। अध्यक्ष महोदय इन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा के 22% कर दिया, वित्त मंत्री जी मौजूद है, इससे अतिरिक्त 1,50,000 करोड़ का बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा अध्यक्ष महोदय। 60,000 के एवज में 1,50,000 करोड़ रुपया उनको दे दिया अध्यक्ष महोदय। इसके हिमायती है आप, पब्लिक का पैसा प्राइवेट को, प्राइवेट उद्योगपतियों को 1,50,000 करोड़ का फायदा, और हमारे किसान को 2018-19 में जो पैसा दिया था आज भी वही झुंझुना, और 27 से 12 तक आपने आंकड़ा पहुंचा दिया। आप दोष देते हैं कि किसानों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है तो 2018 में आपने किस आधार पर पैसे दिए थे, इस बात का हमें मलाल है, हम आपसे जानना चाहते हैं। यदि होते तो हम पूछते उनसे। अध्यक्ष महोदय ये तमाम बातें हैं जो आपके माध्यम से राज्य के जनता तक, आप सभी साथियों तक हम पहुंचाना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय फसल बीमा की बात कर रहे थे पूर्व कृषि मंत्री जी, दोनों हाथ उठा उठा कर लहरा कर। अध्यक्ष महोदय उस संबंध में मैं फिर से एक बार सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा प्रधानमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, जिस योजना से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, उसमें जरूर संज्ञान लेने की बात होती है, गरिमा की बात होती है। अध्यक्ष महोदय फसल बीमा क्यों बंद किया, क्या हमने शौक से बंद किया था अध्यक्ष महोदय? नहीं, जब हम लोग सत्ता में आए अध्यक्ष महोदय तो हमने समीक्षा किया कि हम जो फसल बीमा के रूप में प्रीमियम दे रहे हैं उससे किसानों को क्या मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय जो आंकड़े थे अध्यक्ष महोदय, जो हम प्रीमियम दे रहे थे उसके अगेंस्ट में मात्र 14% किसानों के खाते में जा रहे थे, बाद बाकी पैसे बीमा कंपनियों को चलाने के लिए जा रहे थे। अध्यक्ष महोदय क्या झारखंड के राज्य की गरीब जनता का पैसा बीमा कंपनियों के लिए है जो भारत सरकार द्वारा इंपैनल्ड है? अध्यक्ष महोदय क्या हम अपनी बीमा नहीं चला सकते? फिर हमने फैसला किया कि हम अपनी बीमा चलाएंगे योजना, और हमने चलाया अध्यक्ष महोदय। और कुछ ही समय है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उस बीमित किसानों को, अभी जो आंकड़े अभी आ रहे थे अध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, अध्यक्ष महोदय सुखाड़ पहली बार नहीं हुआ, उस समय भी कृषि मंत्री जी थे, सुखाड़ पड़ा था 18-19 में, 129 ब्लॉक्स सुखाड़ के चपेट में आए थे, यह हमने घोषित नहीं किया था अध्यक्ष महोदय, उन्होंने किया था। लेकिन सुखाड़ घोषित होने के बाद उसके एवज में किसानों को क्या मिला? क्या 1 रुपया मिला? 1 रुपया किसी भी सरकार ने नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। अभी बात करते हैं 13,500 की, हम उस पर भी आएंगे अध्यक्ष महोदय, और यदि किसी ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, माननीय आपदा प्रबंधन मंत्री जी ने दिया अध्यक्ष महोदय। यहाँ के लगभग 10,56,318 किसानों के खाते में 369 करोड़ रुपया 3,500 रुपया की दर से राज्य की निधि से अध्यक्ष महोदय। जब ड्रॉट होता है तो फेडरल सिस्टम में ये सेंटर की जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष महोदय कि आप हमारे किसानों को मदद करें, और वहां की IMCT टीम आई थी अध्यक्ष महोदय,
उन्होंने कहा आपने क्या किया, वहां की टीम को हमने रिपोर्ट दिया अध्यक्ष महोदय, और उस टीम से कल भी हमारी बात हुई अध्यक्ष महोदय, ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए थे। अध्यक्ष महोदय हमने लगभग 9618 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है यहाँ के इनपुट सब्सिडी के लिए और ग्रेजुअस रिलीफ के लिए। अध्यक्ष महोदय यदि वो होते तो उनसे हम सहयोग मांगते कि केंद्र में आपके लोग हैं, आप जरा हमें सहयोग कीजिए ताकि वो पैसा इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको चुना, हमें चुना, आपके सांसदों को चुना, हम उसको दे सकें। अध्यक्ष महोदय जब 18-19 में सुखाड़ पड़ा, एक पैसा ना तो राज्य निधि से और ना ही केंद्र सरकार से यहाँ के किसानों के सम्मान में दिया गया अध्यक्ष महोदय, और आज हम दे रहे हैं तो उंगली दिखाते हैं अध्यक्ष महोदय, अरे आप 3600 देते तब 3500 कम था, आपने एक रुपया नहीं दिया और सिर्फ आलोचना किया। जनता सब जान रही है अध्यक्ष महोदय, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, जिम्मेदार पद पर होकर सारी ऑथेंटिक बातों को आपके सामने रख रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय उस समय जो फसल बीमा उन्होंने कराया था अध्यक्ष महोदय, जब कंपनियों को हमने कहा कि एश्योर्ड क्लेम आपने क्यों नहीं दिया, उनके पास जवाब नहीं था अध्यक्ष महोदय। लेकिन हाल फिलहाल में भारत सरकार की टीम आई थी अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से विभागीय सचिव रजिस्ट्रार सब लोगों ने मेहनत किया अध्यक्ष महोदय, जवाबदेही उनकी भी सोशल अकाउंटेबिलिटी है अध्यक्ष महोदय, विभिन्न अवसरों पे हमने देखा। अध्यक्ष महोदय हमने यहां तक कह दिया अध्यक्ष महोदय, और उसके लिए बजटीय प्रावधान भी माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री जी ने किया कि फसल बीमा के बकाए पैसे का एफिडेविट यदि देते हो, एफिडेविट अध्यक्ष महोदय क्या आप एफिडेविट यदि देते हो तो हम प्रीमियम के बाकी 362 करोड़ रुपया 62 करोड़ 50 लाख रुपया आपको देने को तैयार है, एवज में आप उनसे हमने रिटर्न एफिडेविट लिया अध्यक्ष महोदय, शपथ पत्र, ताकि पहले की तरह भाग नहीं जाए। माननीय मंत्री जी 8,871 लाख रुपया अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी लगभग, माननीय मंत्री जी बादलों का पूर्वानुमान लोगों को था, इसलिए हमको लगता है कि सदन से निकल गए। चलिए पूर्वानुमान था सरजू बाबू, इसलिए सब निकल पड़े। चलिए अध्यक्ष महोदय यदि यह बात हमारा चला तो यहाँ के 2,40,000 किसानों के खोया हुआ पैसा देंगे, सात समंदर पार से हेमंत बाबू के नेतृत्व में लाकर फिर उनके खाते में डालने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अध्यक्ष महोदय हमारे जो शब्द है वो सिर्फ अक्षरों के समूह नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमारे शब्द कोई जुमले भी नहीं है अध्यक्ष महोदय, हमारे शब्द कोई राजनीति के बाजार का विज्ञापन भी नहीं है अध्यक्ष महोदय। हमने जो कहा अध्यक्ष महोदय, एक किसान का बेटा अपने दिल से वस्तु स्थिति को देखते हुए कहा अध्यक्ष महोदय, नहीं तो 15% खर्चे को हम नहीं कहते अध्यक्ष महोदय, छुपा लेते हम भी। जिस कंफर्मेशन बायस की बात हम कह रहे थे अध्यक्ष महोदय, यह शब्द राज्य के गरीब जनता और किसानों के दिल से हमारे सरकार के जुड़ाव का आईना है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय किसान को हम वोट बैंक या कैश फॉर वोट की तरह इस्तेमाल नहीं करते अध्यक्ष महोदय, किसान को अंग मानते हैं अध्यक्ष महोदय, किसान परिवार से हैं हम सभी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय यदि ऐसा होता तो हम भी कर्ज माफी चौथे साल में लेके आते अध्यक्ष महोदय, जैसे इनका आशीर्वाद और सम्मान 18-19 में आया था, 14-15-16-17 नहीं दिखा किसान, 18-19 में किसान याद आ गया। लेकिन हमने ये सरकार बनते ही हमने
किसानों के कर्ज माफी का वायदा पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा कमी थी पैसे की, इसलिए 2 लाख नहीं 50,000 ही कर पाए, लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री और सदस्य सभी एनपीए और लिमिट के बढ़ाने के बारे में बराबर सुझाव देते रहते हैं और उसको हम कभी दरकिनार नहीं करते, हमेशा संवेदनशीलता रखते हैं, लेकिन राजस्व की प्राप्तियां क्या है उस पर भविष्य निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे ये सब प्राकृतिक विपदाओं के दौर में भी गरीबों के घर में चूल्हों को जलाए रखना, उनके चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखने तथा तमाम राजनीतिक षड्यंत्रों के बीच झारखंड वासियों के आंखों के उम्मीद को जिंदा रखने के हमारे प्रयासों का प्रतिबिंब है। अध्यक्ष महोदय, हमने वो बातें आपके सामने रखी है, राज्य की जनता के सामने रखी है, माननीय सदस्यों के सामने रखी है। हमारे मुखिया बड़े भाई और इस राज्य के आबुआ दिसुम आबुआ राज भगवान बिरसा के कल्पना को साकार करने वाले गुरुजी के सुपुत्र हेमंत बाबू का कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो परेशानियां आई है, मैं यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, कतई नहीं। अध्यक्ष महोदय, हेमंत बाबू ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे और उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक उनके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक संस्कार हमें अपने राजनीतिक पूर्वजों से भी मिला। अध्यक्ष महोदय, हमने आज से 45 वर्ष पूर्व की गाथा आपके सामने रखी कि एक समय वो दौर था जब उस समय के नेता ने किस तरह के फैसले को लिया था और एक समय यह दौर है कि आज के नेता किस तरह के फैसले ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राजा महाराजाओं के संपत्ति को जब्त करना, बैंकों को सुविधाओं को समाप्त करना, बैंकों को राष्ट्रीयकृत करना, ये 2 ऐसी आर्थिक क्रांति अध्यक्ष महोदय जिसने गरीबों को सपने देखने के लिए जिंदा किया। अध्यक्ष महोदय, और हम उस पुरोधा के अपने कांग्रेस के गरीबों, कांग्रेस और उसके सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गरीबों के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस किसानों के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, किसान मजदूरों के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के साथ खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें जो भी आहुतियां देना पड़े हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सरजू राय सर जी का सुझाव हमेशा तकनीकी बातों को लेकर प्रेरणादायी होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी बातों को लिखा हूं और अक्षरशः आचरण करने का भरोसा देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विनोद बाबू ने जो बातें कही राजहित में कही, अध्यक्ष महोदय, बाजार समिति को लेकर जो सभी में एक भ्रांति, अध्यक्ष महोदय, ये मॉडल एक्ट 17 अध्यक्ष महोदय जो हमारा ने केंद्र सरकार का, अध्यक्ष महोदय, और उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय रघुवर दास जी को पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, विभाग में वो पत्र मौजूद है, कहें तो हम आपको दे दें। अध्यक्ष महोदय, कि आपको इस व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, वहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, वहां के सेक्रेटरी ने हमारे विभागीय सचिव को पत्र लिखा। अध्यक्ष महोदय, और यहां तक धमकी दिया कि PMJSY RKVI के पैसे आपको किस लिए दें यदि आप फेडरल सिस्टम में हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो अध्यक्ष,
ये बात अच्छा कहा माननीय सदस्य ने कि जो व्यवस्था बंगाल में है, हम कोई चीज थोपना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय। चैम्बर के लोग आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बैठक हुई थी, हमने उनको कहा आप हमारे अंग हैं और आपके विचारों के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन समितियों को जिंदा करके किसानों के उम्मीदों को भी जिंदा रखना अध्यक्ष महोदय। यदि सरसों का दाम 80 रुपया से 180 रुपया हो गया अध्यक्ष महोदय, हमने सिर्फ कहा कि प्रस्ताव दिया, अभी नियम भी नहीं बनाया कि मैक्सिमम हम 183 रुपया 60 पैसा कर सकते, सुझाव आएंगे बहुत आइटम को छोड़ देंगे अध्यक्ष महोदय, बहुत आइटम पे हम घटा भी सकते हैं, हमने ये नहीं कहा कि 2% कहेंगे अप टू, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का, संसदीय कार्य मंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का जो आदेश होगा, माननीय प्रतिपक्ष और पक्ष के सदस्यों का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों का, उसके अनुसार व्यवस्था बनाएंगे अध्यक्ष महोदय। मंडियों के हालात जर्जर हैं अध्यक्ष महोदय, वेतन देने तक के पैसे नहीं है अध्यक्ष महोदय, उन्हें भी जिंदा करना है, मूल्य संवर्धन करना है और फिर से किसानों को सुविधाएं प्रदान करना अध्यक्ष महोदय। मैं अंतिम में अपनी बातों को रखते हुए आपसे अनुमति चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारी मांगों को सहमति दिया जाए अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।